चलो, कहता है इन द फिगर एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ एटम ओरिजिन ऑफ सिक्स स्पेक्ट्रल लाइंस आपको दिया हुआ है, दैट इज लाइंस एग्जाम फाइव राइज फ्रॉम द ट्रांजिशन, ये लाइन दी हुई है, ऐसा समझ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी ऑगर इन द ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम। ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम क्या चीज़ होता है? देखो, अभी यहाँ पे जो दिखाया गया है सब इमिशन स्पेक्ट्रम है। इमिशन स्पेक्ट्रम वो होता है जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर डी एक्साइट होता है, तो उसमें कुछ वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी निकलती है और फोटॉन्स निकलते हैं, उनको हम इमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम वो होता है कि जब इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है एंड बाई हाइड्रोजन डायग्राम सो एटम्स एंड ओरिजिन ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस फ्रॉम द ट्रांजिशन बी विच आर द फॉलोइंग ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो अगर ग्राउंड लेवल में यहाँ पर मान लेता हूँ इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हमें एक्साइट करना है, तो इसको एक्साइट करने के लिए हमें इसको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। भाई एनर्जी देंगे तभी तो ये एक्साइट होकर ऊपर जाएगा। तो ये जो ट्रांजिशन हुआ इसको हम ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो, ऐसे समझ लो कि अगर हाइड्रोजन का गैस है, यहाँ से हाइड्रोजन का गैस है, और उस गैस से मैं वाइट लाइट पास करा दिया, यहाँ से वाइट लाइट पास करा दिया, और यहाँ पर अगर मैं स्क्रीन लगा दिया तो मैं देखूँगा कुछ कलर जो है वो गायब हो जाएंगे, कुछ कलर यहाँ से गायब हो जाएंगे, तो वो जो है ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इस टाइप से आप डिटेल में पढ़े होंगे थ्योरी में। तो जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी जाता है, कुछ एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो उसको हम ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब दोबारा मान लो इसने डेल्टा ई एनर्जी लेके, तो डेल्टा ई की वैल्यू एस सी अपन लैम्डा हो गया, तो ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम की जो इसको जो फोटोन एक्सेप्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो फोटोन एक्सेप्ट करेगा, तो वो जो फोटोन है उस फोटोन की वेवलेंथ लैम्डा होगी और एनर्जी डिफरेंस ई टू अपॉन और ई वन का मैग्नीट्यूड होगा, और ई वन और ई टू का डिफरेंस का मैग्नीट्यूड होगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा तो वही फोटोन उसी वेवलेंथ का जो जनरेट कर देगा बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब दोनों केस में लैम्डा अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो लैम्डा सेम एक्सेप्ट करेगा, और यहाँ से नीचे आता है तो लैम्डा सेम रिजेक्ट करेगा, इमिट करेगा। ठीक है, तो ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम इसमें से कौन सा पॉसिबल है? तो ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम वो जब ग्राउंड से एक्साइट हुआ, तो ये तो पहले से एक्साइट था यार, ये तो एक्साइट इंटरमीडिएट स्टेट में आया, तो यहाँ से अगर ये देखो, यहाँ से ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, ये ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो ग्राउंड स्टेट से कभी एक्साइट भी तो हुआ होगा, ऊपर भी तो गया होगा, ऑब्जॉर्पशन हुआ होगा। तो जब ये ऊपर गया होता ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम हुआ, लैम्डा ऑब्जॉर्व किया होगा, जब नीचे आया तो वही लैम्डा रिलीज किया होगा। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग टू ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम है 1, 2, 3। ठीक है, क्योंकि ये ऑब्जॉर्पशन स्पेक्ट्रम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यार अब एक्साइट हो गया, एक्साइट हो के एक्साइट नहीं होना है, समझ रहे ना? एक्साइटेशन में एक्साइटेशन नहीं होता है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेशन, ये पहले से ही एक्साइटेड है और एक्साइट हो के एक्साइट नहीं होना है।